हम आपके साथ में एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे बनाने के लिए ना तो हमें सोडा की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर की, ना मावा की और ना ही मैदा की। और इसे बनाना बहुत आसान है, ये बिना फेल हुए मिठाई बनकर तैयार होती है। बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने में कुछ टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत है और वो टिप्स और ट्रिक्स भी बहुत आसान है। इस मिठाई को खाने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि इस मिठाई में मावा का यूज़ नहीं हुआ है या ये मिठाई मावा से बनाई नहीं गई है। देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आपके साथ कौन सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं गुलाब जामुन की रेसिपी, और ये गुलाब जामुन हम बनाएंगे केवल और केवल सूजी से। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए सूजी के गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ एक भगोना लिया है और इस भगोने में डालेंगे हम लगभग 2.5 कप चीनी। 2.5 कप चीनी लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी, यानी 1.5 कप हम पानी लेंगे। पानी लेने के बाद अब हम चीनी को पानी में अच्छे से घुलने तक पकाएंगे और हम यहाँ पर एक तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाते समय क्या ध्यान रखना है वो हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर ले सकते हैं, थोड़े से केसर के धागे भी ले सकते हैं, या आप इलायची पाउडर को स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पर जब चाशनी बनकर तैयार हो जाए तो उसमें 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस की भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है और काफ़ी थिक हो गई है। भगोने के साइड में चाशनी चिपकने लगी है, इसलिए अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद चाशनी को उंगली में लेकर के चेक करेंगे। अगर चाशनी में तार बनके टूट जाता है, तार बना नहीं रहता, तार बनके टूट जाता है, तो आप समझ लीजिए कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। क्योंकि जैसे ही चाशनी ठंडी होगी ये एक तार की चाशनी बन जाएगी। अगर आप गर्म चाशनी में एक तार बनाने की कोशिश करेंगे तो चाशनी जब ठंडी होगी तो वो ज़्यादा टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से चाशनी रसगुल्लों के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं चाशनी जैसे जैसे ठंडी हो रही है इसका तार लंबा बनने लगा है, ये देखिए, और तार मोटा होने लगा है। इसीलिए चाशनी में जैसे ही तार बनके टूट जाए बस आप उसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर दीजिए। और अब हम चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 कप दूध। जिस कप से मैंने चीनी का मेजरमेंट किया है उसी कप से हम सारी सामग्री का मेजरमेंट करेंगे। तो आप कोई कप या कटोरी ले लीजिए और उसी कप या कटोरी से सारी सामग्री का मेजरमेंट कीजिए। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम आपको ये रेसिपी बता रहे हैं। 2 कप दूध लेने के बाद अब हम दूध को पहले गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी ऐड करने के बाद घी को हम दूध में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और दूध को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने पहले से बॉईल किया हुआ दूध लिया है तो आप दूध को केवल गर्म कर लीजिए, और अगर आपने कच्चा दूध लिया है तो दूध को पहले बॉईल कर लीजिए। दूध जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भरकर महीन वाली सूजी। सूजी हम थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। सूजी चाहे आप महीन वाली लीजिए चाहे मोटी वाली लीजिए, लेकिन दोनों सूजी को मिक्सी के जार में डाल करके एक बार पल्स मोड पर ज़रूर चला लीजिए। अगर सूजी का थोड़ा बहुत पाउडर भी बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर महीन सूजी आप ले रहे हैं तो 2 से 3 सेकेंड ही पल्स मोड पर सूजी को चलाइए, और अगर आप मोटी वाली ले रहे हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा समय देकर पल्स मोड पर मिक्सी में ग्राइंड जरूर कर लीजिए। दूध में थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करने से एक फायदा ये होगा कि सूजी में गुठलियां नहीं पड़ेंगी। सारी सूजी दूध में ऐड करने के बाद अब हम सूजी को तब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी ये सारा दूध अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। और ये देखिए सूजी ने सारा दूध अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और एक डो के फॉर्म में आ चुकी है। तो बस जैसे ही सूजी एक डो के फॉर्म में आएगी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस सूजी वाले डो को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए सूजी हल्की सी ठंडी हुई है, तो बस अब हम इसे स्पैटुला से पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। कि सूजी अभी इतनी गर्म है कि हम इसे हाथों से नहीं छू सकते, इसलिए हम इसे स्पैटुला से मिक्स करेंगे।
गुरुजी के गुलाब जामुन बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाशनी ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ सूजी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर सूजी का डो ठंडा हो गया तो रसगुल्ले फ्राई करते समय फट जाएंगे, क्योंकि ठंडी होने पर सूजी ड्राई हो जाएगी। और अगर बाय चांस सूजी ठंडी हो जाती है या ड्राई हो जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके सूजी का एक चिकना और सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी सूजी गर्म थी तो मैंने उसे स्पैटुला से अच्छे से मिक्स किया है और अब हम इसे हाथ से रब करते हुए एक चिकना डो बना लेंगे। इस तरीके से अगर हम सूजी को रब करेंगे तो सूजी में जो दाने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और साथ ही सूजी आपस में अच्छे से बाइंड होने लगेगी। सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें एक चिकना डो बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए हमने सूजी का एक चिकना डो बनाकर तैयार कर लिया है और चिकना होने के साथ साथ डो सॉफ्ट भी बहुत है। तो अब हमें क्या करना है, इस डो से एक लोई कट करनी है और उस लोई को हल्का सा लंबा करना है। और लंबा करने के बाद चाहे तो आप हाथ से या किसी नाइफ से जितने बड़े रसगुल्ले आपको बनाने हैं उस साइज़ की छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे। लोइयों को कट करने के बाद अब हम एक लोई लेंगे और उस लोई को हाथों से गोल गोल घुमाते हुए एक लड्डू का शेप देंगे। लड्डू का शेप देने के बाद बीच में एक छोटा सा होल बनाएंगे और उसमें स्टफिंग करेंगे चॉप्ड पिस्ते की। आप पिस्ते की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। स्टफिंग करने के बाद हम स्टफिंग को बंद कर देंगे और फिर से उसे हाथों से गोल गोल घुमाते हुए एक लड्डू का शेप देंगे। ये देखिए सूजी का एक गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल पास से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गुलाब जामुन में एक भी स्क्रैच आपको नहीं दिख रहे होंगे। और इसी तरह हम सूजी के सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि गुलाब जामुन का ये डो ड्राई हो जाएगा तो इसके लिए आप इस डो को किसी गीले कपड़े से ढक कर रखिए। साथ ही साथ बने हुए गुलाब जामुनों को भी आप किसी गीले कपड़े से ढक कर रख सकते हैं, जिससे कि डो और बने हुए गुलाब जामुन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और जब हम इन्हें तलेंगे तो ये फटेंगे भी नहीं। ये देखिए हमने सूजी के सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इन गुलाब जामुनों को हम कैसे सर्व करें कि इनका टेस्ट और बढ़ जाए। गुलाब जामुन को फ्राई करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो जैसे ही ऑयल हल्का गर्म होगा हम इनमें ये गुलाब जामुन डाल देंगे और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन डालने पर ऑयल में हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बस इतना ही गरम हमको ऑयल चाहिए। और अब हम इन गुलाब जामुनों को मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक बराबर चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए गुलाब जामुनों का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो गया है, लेकिन अभी हम इन्हें थोड़ा सा और पकाएंगे। और ये देखिए गुलाब जामुनों का कलर कितना सुंदर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और इन गरम गरम गुलाब जामुनों को हल्की गरम चाशनी में डालेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो इसलिए क्योंकि सूजी के गुलाब जामुन की जो ऊपरी लेयर होती है वो थोड़ा सा हार्ड और क्रिस्पी होती है, इसीलिए हम इन्हें गरम चाशनी में डालते हैं ताकि ये आसानी से और जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। इसी तरह हम सूजी के सारे गुलाब जामुन बना करके हल्की गरम चाशनी में डाल देंगे। सभी गुलाब जामुन को चाशनी में ऐड करने के बाद अब हम इन्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि ये गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और चाशनी को भी अच्छे से सोक कर लें। और ये देखिए आधे घंटे हो चुके हैं, क्योंकि मुझे वीडियो फाइनल करना है इसलिए हमने इन गुलाब जामुनों को खाली आधे घंटे के लिए सोक किया है। लेकिन अगर आप लोग इन्हें घर पर बना रहे हैं तो इन्हें अच्छे से सेट होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे ज़रूर सोक कीजिए। और आप देख सकते हैं कि आधे घंटे में ही इन गुलाब जामुनों का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है और देखने में भी ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए हम बिल्कुल पास से आपको एक गुलाब जामुन दिखा रहे हैं।
रहे हैं ताकि आप गुलाब जामुन को देखकर ही समझ जाइए कि गुलाब जामुन कितना परफेक्ट बना है। तो चलिए अब हम इसे कट भी कर लेते हैं और कट करने से ही पता चल रहा है कि ये गुलाब जामुन केवल आधे घंटे ही चाशनी में हमने डीप किए हैं और उसके बावजूद कितनी आसानी से ये गुलाब जामुन कट हो जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अंदर भी चाशनी बहुत अच्छे से गई है। चलिए अब हम इन गुलाब जामुनों को सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्विंग बोल लिया है। हमने आपसे पहले बताया है कि किस तरीके से हम इन गुलाब जामुनों को सर्व करें कि इनका टेस्ट और भी बढ़ जाए। ये शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। मावा के गुलाब जामुन तो आप ठंडे भी सर्व कर सकते हैं जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन गुलाब जामुनों को सर्व करने से पहले आप इन्हें चाशनी के साथ में एक बार अच्छे से गरम कर लीजिए और उसके बाद गर्मा गर्म सूजी के गुलाब जामुनों को सर्व कीजिए। यकीन मानिए ये सूजी के गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब हम इन गुलाब जामुनों पर ऐड करेंगे गर्मा गर्म चाशनी, साथ ही इन्हें गार्निश करेंगे चॉप किए हुए पिस्ता से। और फाइनली सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। इन गुलाब जामुनों को खाकर कोई ये बता ही नहीं सकता कि ये सूजी के गुलाब जामुन है। तो आपको हमारी ये सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।